बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बकरा ईद पे बनाएंगे हम तंदूरी बीफ टिक्के की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 1 kg गोश्त, मटन या बीफ ले सकते हैं, बिना हड्डी के बिना चर्बी के हम इसको कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने गोश्त को पहले से ही वॉश करके रख लिया था। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 medium size की बारीक स्लाइस की हुई प्याज, और हम यहाँ इसमें 1 glass के करीब इसमें पानी डाल देंगे। 20 मिनट तक हम इसको प्रेशर पर लगा लेंगे। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम गोश्त को चेक करेंगे। गोश्त यहाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। गोश्त को हमने ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दिया है। अब यहाँ हम इसका मैरिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 cup के करीब फ्रेश दही, और इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon, और साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 teaspoon, हल्दी 1/4 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला 1/2 teaspoon, 2 teaspoon के करीब हम इसमें बेसन को ऐड करेंगे, और साथ ही 1 teaspoon हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। रेड फूड कलर हम इसमें डालेंगे, ये ऑप्शनल है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमने पहले ही गोश्त में ऐड किया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिना पानी डाले ही हमने इसको मिक्स करना है। गोश्त यहाँ अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ हम गोश्त को इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें 1 teaspoon लेमन जूस ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने इस तरह के स्टिक्स लिए हैं और गोश्त को इसमें भर लेंगे। 3 से 4 बोटे आपने स्टिक के अंदर डाल लेना है। तो सारा गोश्त को हमने स्टिक्स के अंदर ऐसे ही डाल लेना है। तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और तवे पे हम इसको डालकर फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी ये बन जाता है, बहुत झटपट और बहुत ईजी ये बन जाती है। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।